नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ से खबर है, जहां देश में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर पूरे देश में लोग अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की तैयारी में है। तो वही मोहल्ला गुटोला में चाय के गिलास व प्लेट में बना ताजिया लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। बता दें कि आजमगढ़ की इस ताजिया को देखकर हर कोई हैरान था और उस कलाकार को दुआएं दे रहा था जिसने इतनी सुंदर ताजिए को चाय के गिलास व प्लेट से बना दिया। शहर की जिस गली से ताजिया गुजर रहा था, सबकी निगाहें उस ताजिए को दूर दूर तक देखती रही। मैं मोहम्मद अफजल मोहल्ला गुरु टोला एक तकापुल कटरा का निवासी हूँ, भारत रक्षा दल का सदस्य हूँ। कल चांद मुहर्रम की चांद की 9वीं तारीख को ताजिया दर पे अपने इमाम चौक पर मोहल्ला आनंदपुरा अच्छन चा के मकान के पास चौक है, वहाँ पे एक ताजिया रखी गई। एक मोहल्ला गुरु टोला इमाम चौक मस्जिद के पास है, वहाँ एक ताजिया रखी गई। वहाँ एक दो बच्चियाँ उसे क्या नाम है गिलास से चाय के गिलास से ताजिया बनाया। उन्होंने कम से कम 500 गिलास लगे होंगे और बहुत खूबसूरत ताजिया बनाए। उनकी मन्नत रही होगी, जो भी रहा होगा, लेकिन वो ताजिया बनाकर अच्छा सा बनाया है। एक आकर्षित है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि थर्माकोल और क्या नाम है प्लास्टिक के गिलास से चाय गिलास और प्लेट पे ताजिया, जो आपके पास वीडियो फ़ोटो मैंने भेजा है मोहल्ले ताजिया की। और शहर में हर इमाम जहाँ जहाँ कटे लगभग 8 या 10 ताजिए कल दर पे बैठी है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है, शाम को 4 बजे के बाद सारे ताजिए अपने दर से उठेंगे। ये कटरा और जामा मस्जिद का खड़े आएंगे, खड़े के साथ जो है सारे ताजिए कलबला में होकर जाके शहीद इमाम हुसैन शहीद पे वहाँ दफन होंगे।